किसकी वजह से होता है। तो प्लीज नोट लगा के लिख लो, नोट ऐसे आपको याद रहना चाहिए कि ये क्यों होता है। तो लिखिएगा द कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका मास भी वो उसका इनर्शिया भी कम होता है। आगे लिखो दैट इज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। राइट, तो समझ में आ गया कि इनर्शिया की वजह क्या है, कारण क्या है, और ये किसकी वजह से होता है। तो वो है मास, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी कि यदि वो रेस्ट में होगी तो उसको मोशन में लाना मुश्किल हो जाएगा, और यदि वो मोशन में होगी तो उसको रेस्ट में लाना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका मतलब निकलता है। ठीक है, ओके। अब आगे, तो नाउ वी हैव अ थ्री इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हेनेवर वी कंबाइन ऑल दीज थ्री इनर्शिया सो वी गेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक्चुअली न्यूटन्स गेव थ्री लॉज अबाउट द मोशन, न्यूटन ने तीन नियम दिए थे बच्चों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सो रिमेंबर, यदि हम लोग इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों को मिला दें तो उनके मिलाने से बन जाता है एक फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज लिखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरीबॉडी continues in its state of rest, everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line, uniform motion in a straight line. ठीक, straight line, unless compelled by some external
some external force. Okay, unless compelled by some external force to change that state, ये सही हो जाए, बाहर से क्यों आ रही है? दूसरे उससे आईडी से उसको मैसेज कर दो, आना है तो जिसे आओ। साफिया जहीर, यस सर, मीटिंग शुरू होती है 2 बजे से आप लोगों की, और तुम मुझे यस लिख के भेज रहे हो 2 बजे के बाद। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो इसके बाद ये लिख के भेजने की क्या जरूरत है? ध्यान रखा करें आप लोग, वैसे नो नीड कि आप मुझे डेली लिख के भेजें, बस चेक कर लो कि यस आ गया। और बार बार होता है, मुझे होता है डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब इतने बच्चों को यस आता है तो बहुत दिक्कत होती है। वो भी अब कब कर रहे हो, जब मालूम पड़ रहा है कि तुमने मीटिंग ज्वाइन कर ली है, इसके बाद तुम यस लिख के भेज रहे हो। सो इट्स नॉट राइट थिंग। सो नाउ अब देखो बेटा, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री इनर्शिया, दैट इज रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नथिंग, इट्स अ सिंपली असेंबलिंग ऑफ दीज थ्री इनर्सिया, दैट इज रेस्ट, दैट इज मोशन एंड दैट इज डायरेक्शन। ओके, इन तीनों को मिलाने के बाद ही हम इसको, यानी कि अब समझ में आ गया आपको कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ओके, राइट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम, सो मोमेंटम क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक बच्चा वॉलंटरी अपना माइक ओपन करे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एनीवन, कोई नहीं करना चाहता? चलो हरीश, वेरी गुड, यस सर। चलिए अब हरीश को लिया, तो हरीश को किंजल अपना माइक ऑफ कर लो। ओके हरीश, हरीश मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक साइकिल है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और एक दूसरी साइकिल है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको इनको आगे आके रोकना है, तो क्या आप रोक सकते हैं? किसे रोक सकते, किसे किसे रोक देंगे आप?
जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है दूसरी वाली में, 20 वाली में? सर क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगी। ओके 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 ठीक, वेरी गुड। मतलब आपका कहना ये था कि बिकॉज ऑफ स्पीड ना, चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो उसको रोकने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सीन चेंज करता हूँ। अब साइकिल है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन आ रही है, उसकी भी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आप दोनों को रोक दोगे आराम से। यू कैन स्टॉप बोथ साइकिल एंड ट्रेन। नो सर, क्यों? अभी तो कहा है हरीश ने कि उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो मैंने दोनों की स्पीड सेम कर दी भाई, आपका दिक्कत है। लेकिन ट्रेन का मास साइकिल से ज्यादा होगा। अरे यार, तो ये भी बात होती है, एक टिको ना, कभी तुम कहते हो मास, कभी कहते हो स्पीड, कहीं एक तरफ हो। तो दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं ना। ओके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पीड है तो हम उसके मास को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? और यदि उसका मास है तो हम उसकी स्पीड को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर एक कुछ नया एक सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कहूँ कि समथिंग इज न्यू, दैट इज कि कोई और एक क्वांटिटी बन सकती है जो कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती हो, एक मास, सेकंड इज वेलोसिटी। ऐसी कोई क्वांटिटी हो सकती है, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। ध्यान देना बेटा। अब यहां पर वास्तव में देखा जाए तो ये याद रखना, व्हाट इज मोमेंटम, तो ये कहा जाता है कि जैसे कि अभी आपसे मैंने कहा कि एक साइकिल भी जा रही है 5 किलोमीटर की स्पीड से और एक ट्रेन भी जा रही है 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, राइट? ये तो सही बात है, इट्स अ ट्रू। लेकिन लेकिन दोनों में एक अंतर होगा। साइकिल पर या तो वो खुद अकेला होगा या मैक्सिमम एक व्यक्ति और बैठा होगा, बहुत होंगे तो दो बैठे होंगे, एक आगे और पीछे बैठा होगा। लेकिन यानी कि साइकिल मुश्किल से 3 लोगों को लेके जा पाएगी, एट द सेम टाइम ट्रेन कई हजार लोगों को भी लेके जा सकती है। तो दोनों की स्पीड तो सेम थी बट देयर रिजल्ट इज डिफरेंट, राइट? दोनों का जो रिजल्ट था वो क्या आ गया, वो डिफरेंट आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं होती है बल्कि एक नेट वेलोसिटी होती है। ध्यान रखना बेटा, नॉट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी होती है। उसी नेट वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। सो प्लीज नोट डाउन द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब मोमेंटम लिखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body, possessed by a moving body is known as momentum of the body, is known as momentum of the body. ठीक, full stop. लेकिन इस डेफिनेशन से ये तो मालूम पड़ रहा है कि बॉडी जो जो मोमेंटम होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि वो उसमें कुल कितना मोशन है, मगर अभी भी उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो आगे लिखिए, दैट इज, नहीं, नॉट दैट इज, सिंपल रखो, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the product of
product of the mass of the body is equal to the product of the mass of the body and velocity of the body. Theek. And it is generated by small p. It is denoted by small p. Thus, momentum is equal to mass into velocity of the body. Momentum is equal to mass into velocity of the body. That is, P is equal to mv. P is equal to mv. Here m is mass and v is velocity. बच्चों इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? न्यूटन? नो, पास्कल? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड? केजी मीटर पर सेकेंड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि मास की क्या होती है? केजी. और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. तो लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अच्छा ये, हाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अच्छा बेटा ये कैसी क्वांटिटी होना चाहिए स्केलर की? वेक्टर. बिल्कुल सही बात है. क्यों वेक्टर है? बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. लिखिएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है बच्चा. सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम. और मोमेंटम जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हो बेटा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा. यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो नेट इम्पैक्ट होता है किसी भी बॉडी, किसी भी मोशन बॉडी का, वो हमेशा उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट यानी कि मोमेंटम पर डिपेंड करता है. एक्चुअली हमने जिसको इसलिए भी पढ़ा क्योंकि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो भी इसी पर बेस्ड है. किस पर? मोमेंटम पर. सो नो डाउन ट्राई द टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, मुझे जरा पुष्कर अग्रवाल. यस सर. हाँ मुझे बता, बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी हमने क्या लिखा है सर? कि कोई भी बॉडी होती है तो वो अपने जिस स्टेट में है वो उसको उसमें ही रहना चाहती है, जिस स्टेट ऑफ मोशन में है. अच्छा नहीं, ये तो जब ये तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होती. बिल्कुल सही बात. ठीक है, तो अब आज हम लोग अब जो नया टॉपिक पढ़ने बार जा रहे हैं
ये हमारा आज का टॉपिक होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एक्चुअली जैसे फर्स्ट वाला जो लॉ है मतलब वो उसके ये बताता है कि फोर्स क्या कर सकता है, ये सेकंड लॉ है ये बताता है कि फोर्स क्या होता है। एक्चुअली में फोर्स की सही एक डेफिनेशन कह दो या उसकी उसको डिफाइन करने का मेथड कह दो वो हमको इसी से मिलता है। तो उनका ये कहना है कि पहले लिख लो फिर हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स acting on the body and the change in momentum takes place in the direction of the unbalanced force on the body. ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। क्या बड़ा स्टेटमेंट हुआ इसका कि हम किसी भी बॉडी पर जब कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी बॉडी में मोमेंटम में चेंज होता है। वो जो चेंज होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना अधिक चेंज होगा उतना अधिक फोर्स लगेगा, या उल्टा बोल दो जितना अधिक फोर्स लगाओगे उतना अधिक चेंज होगा। This is the second law of motion. Okay, अब देखिएगा इसमें आप आगे, अब हम इसका मैथमेटिकल देखते हैं इंटरप्रिटेशन कि वो क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी ले लेंगे, ये बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है और हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं F। कब, जब टाइम कितना है जीरो और उस समय इसकी स्पीड है u। ध्यान देना बेटा, जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तब इस की स्पीड u है, मास m है, फोर्स f लगाया और ये हमने फोर्स लगाया t टाइम तक। ठीक, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बदल जाएगी। अब मान लो v हो गई, हाँ मास तो मास ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, फोर्स फोर्स ही रहेगा F। और टाइम कितना हो गया इसका, t इज इक्वल टू t, जो पहले t जीरो था अब वो कितना हो गया, t हो गया।
In simple word, you can see that here, when we apply the force on the body F, having mass M, it increase the velocity y v minus u. तीन टाइम में बटस की स्पीड कितनी हो गई, v से u हो गई. सबसे पहले ये डायग्राम बना दो इसका. ध्यान देना, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल. यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपकी वीडियो नहीं दिख रही. वीडियो नहीं दिख रही, कैसा हो रहा भाई? सर दिख तो रही है भाई. सर मुझे नहीं दिख रही. बेटा उसमें आप मुझे की कर लो, मुझे मुझे पिन अप कर लो, तो दिखाई देगी. सर कर रखा है बुकमार्क. एक बार बेटा एक काम कर सकते हो कि एक बार है ना इसको बाहर जाके फिर अंदर आ जाओ फिर से. ओके सर रीजन कर लो. ओके तो ये हो गया. अब लिखिएगा, लेट अस कंसीडर, लिखिए बेटा, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m. A body of mass small m moving with initial velocity u, moving with initial velocity u and a force capital F, and a force capital F acts on the body, acts on the body for time small t, for time small t. So the velocity of the body, so the velocity of the body become v. ठीक, आपने कुछ खास नहीं लिखा, जो है वो बता दिया कि पहले बॉडी का मास m है, स्पीड उसकी u थी, टाइम स्टार्टिंग था, फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड v हो गई. नाउ नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इनिशियल मोमेंटम बिल्कुल दिखाई दे रही. नो सर इट्स विजिबल. हमें तो दिख रही है. दिख तो रही है सबको. यदि आपको किसी को आपकी बेटा पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब जब नहीं दिखती तो क्या होता है मेरी भी यहाँ पे स्क्रीन जो ब्लैक हो जाती है. अभी बिल्कुल साफ आ रही है. ओके बेटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी पी, बेटा पी मतलब मोमेंटम, एंड आई, आई फॉर इनिशियल इज इक्वल टू, हरीश कितना होना चाहिए? एम वी. वेरी गुड, एम इंटू यू, वेरी गुड. ओके अब लिखिए फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी पी एफ कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तो एम वी माइनस यू, राइट? एम बी, एम बी माइनस एम ई हुआ तो मैंने डाट कर दिया एम बी माइनस यू. ओके फिर लिखिए एंड टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, टाइम टेकन टू
taken to change the momentum kitna ho jayega t minus t zero. O, u t minus 0 yani ki kitna ho jayega p okay so now rate of change of momentum so now rate of change of momentum rate of change of momentum क्या हो जाएगा लिखिए change in momentum upon time taken ठीक है बच्चा rate of change of momentum is equal to change in momentum upon time taken अच्छा change in momentum कितना है ये लिखा हुआ है m v minus u और time टिकन कितना है बेटा टी टी ओके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो ध्यान देना ये क्या आया है ये आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अब लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ध्रुव क्या है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द चेंज इन मोमेंट पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स बस 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 ठीक वेरी गुड दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड proportional to rate of change of momentum ठीक force applied proportional to rate of change of momentum force applied को मान लो capital F देखो देखो अपने अपने graph में उसमें देखिए diagram में हमने force कितना लिया है F लिया है ना F proportional to ये लो ये लिखा हुआ है कितना है m v minus u upon t ठीक है इसको मानो इक्वेशन नंबर टू F proportional to कितना आ गया m v minus u upon t now according to first equation of motion according to first equation of motion kya hoti hai v is equal to u plus kt theek hai bachcho yani ki v minus u is equal to kt ye वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेटा लिख सकते हैं ना बस देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी माइनस यू इन इक्वेशन सेकंड तो क्या हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए टी अपॉन टी राइट टी से टी कैंसल सो so f proportional to ma or f is equal to कर देना k m a जब भी हम proportional को हटा के equal करते हैं तो हमको एक constant लगाना होता है लिखो where k is proportionality constant
एंड इट्स वैल्यू इज k इज इक्वल टू 1. ये इसकी मेरा वैल्यू होती है. हाँ, इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, वैल्यू 1 क्यों? इसको जो है मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली इसको प्रूफ किया हुआ है बेटा. इसकी वैल्यू 1 होती है. और जब हम लोग 11th में आएंगे तो उसको मैं पढ़ाऊंगा. नहीं तो क्या, मुझे भी बहुत कुछ से अलग जाना पड़ेगा. तो अभी आप ये मान सकते हो, और भी थोड़ा शॉर्ट में बताऊं मैं, तो आप ये मान लो कि इफ एफ की वैल्यू 1 यूनिट है, मास की भी वैल्यू 1 यूनिट है और ए की भी 1 यूनिट है, तो के की वैल्यू भी 1 यूनिट आती है. तो अभी आप ये मान लो, चलिए कि द वैल्यू ऑफ के इज 1. ओके, सो इन दैट कंडीशन एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक, तो बच्चों यहां देखो, आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि फोर्स कितना आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन. याद है जिस चैप्टर को हमने जब शुरुआत की थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बताया था. अब हम धीमे धीमे उस फोर्स की डेफिनेशन की ओर और आगे बढ़ रहे हैं. आज हमने उसका लिखा है फार्मूला. नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा. मुझे याद रखना कि यहाँ से आगे बढ़ना है एफ इज इक्वल टू एम ए से. हम एक बार फिर से हम फोर्स को एक अलग ढंग से डिफाइन करेंगे. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे. नाउ आई एम Sir, what is this K you have written?